गौरतलब हो कि बीते मंगलवार को अल्मोड़ा जिले के देघाट क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी, जबकि एक बच्चा इस दर्दनाक हादसे में घायल हो गया। मुनेंद्र सिंह सैनी का परिवार रुड़की के साउथ सिविल लाइन में पिछले करीब 13 वर्षों से रहता है। मुनेंद्र सिंह के चचेरे भाई दिनकर सिंह सैनी ने बताया कि मुनेंद्र यहां अपनी पत्नी समेत अपने बेटे बेटी के अलावा अपनी माँ उषा और पिता ईश्वर चंद्र सैनी के साथ रहते थे। बीते सोमवार तड़के मुनेंद्र सिंह सैनी रुड़की से अपने 11 वर्षीय बेटे अर्णव तथा 9 वर्षीय बेटी अदिति समेत अपनी पत्नी शशि सैनी के साथ रुड़की से अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए थे। दरअसल उनके दोनों बच्चे रुड़की के एक निजी संस्थान में पढ़ रहे थे, जिसके चलते उनकी पत्नी को अल्मोड़ा के देघाट में नौकरी की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में उन्होंने अल्मोड़ा में ही अपने बच्चों को पढ़ाने की योजना की थी, जिस वजह से बच्चों की छुट्टी चलने के दौरान दोनों को लेकर अपने साथ जा रहे थे, ताकि वहां के स्कूलों से भी बच्चों को रूबरू कराया जा सके। लेकिन जैसे ही उनकी कार अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड में भिक्यासेण देघाट सड़क पर चौनिया बैंड के पास पहुंची, तो अनियंत्रित होकर सीधे 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें मुनेंद्र सिंह और उनकी पत्नी शशि समेत उनकी 9 वर्षीय बेटी अदिति की मौत कार में सवार 11 वर्षीय बच्चे अर्णव के सामने हो गई। इस भयावह घटना ने मासूम अर्णव को झकझोर कर रख दिया। गर्मियों की छुट्टियां बिताने मां के साथ देघाट आ रहे अर्णव को शायद यह एहसास नहीं होगा कि आगे जिंदगी भर के लिए गम उसका इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले वह अपनी छोटी बहन के साथ शरारत करते हुए अपने माता पिता से डांट खा रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक जब खाई में उसकी बेहोशी टूटी तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसने बहन को उठाने की कोशिश की, जब वह नहीं उठी तो उसने माँ को झकझोरा, लेकिन माँ ने भी आज पलटकर लाडले की बात का जवाब नहीं दिया। इधर शाम अब काली रात का रूप ले रही थी। हादसे में बचे अर्णव को दूर दूर तक कोई सहारा नजर नहीं आया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खाई में जंगल में गुम हो गई। अर्णव कहता है कि इस बीच रात में एक पहर फिर उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण जगी, जब उसके पापा धीरे से कराहे। वह दौड़कर पापा के पास पहुंचा, उन्हें उठाने में मदद की। इसके बाद पापा ने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा लिया, तो अर्णव को लगा कि अब पापा सब ठीक कर देंगे। उसने पापा के सिर पर लगा खून पोंछा और उन्हें सहारा देकर अपनी माँ और छोटी बहन के पास लेकर गया। पापा ने कुछ देर शशि को फिर अपनी बेटी को निहारा, लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ तो फपक फपक कर रो पड़े। अब अर्णव को एहसास हुआ कि माँ और बहन उससे कभी बात नहीं करेंगे। अर्णव ने बताया कि अंधेरे में ये जद्दोजहद चलती रही और कुछ देर बाद पापा भी शांत हो गए। इसके कुछ देर बाद जब उजाला हुआ तो उसने फिर पापा को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि पापा भी नहीं रहे, इसके बाद वह गांव की तरफ चला। बिजौली गांव में जिस शख्स को उसने पहली बार यह कहानी सुनाई, उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बच्चे की हालत देखकर वह समझ गया। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मुनेंद्र सैनी की माँ उषा सैनी करीब 62 साल की है, जो कि रुड़की के साउथ सिविल लाइन में रहती है। इस हादसे के बारे में बीते मंगलवार को सभी परिजनों और रिश्तेदारों को पता चल गया, जिसके चलते उनके घर पर बहुत सारे लोगों का आना जाना होना शुरू हो गया। सभी उषा को यह दिलासा दे रहे थे कि मुनेंद्र को मामूली चोट लगने की सूचना मिली है, तो वह कुशल क्षेम के लिए घर आए हुए हैं, और मुनेंद्र की माँ को दिलासा दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही इस दुखद घटना की खबर उन्हें लगेगी वह सदमे में चली जाएगी। लेकिन माँ को कहाँ पता था कि उनका बेटा, बहू और नातिन अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। दुर्घटना का शिकार हुई स्टाफ नर्स शशि सैनी 3 माह पहले ही अल्मोड़ा के देघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हुई थी, और कुछ दिन पूर्व ही वह बच्चों से मिलने घर गई थी। गर्मी की छुट्टियां थी तो बच्चों ने देघाट घूमने की जिद की, जिसके चलते बच्चों की जिद के आगे माँ कमजोर पड़ गई और अपने पति के साथ देघाट की ओर निकल गई। लेकिन देघाट पहुंचने से पहले ही हादसा हो गया, जिसमें शशि समेत उनके पति और बेटी की जान चली गई। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।